हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों आज हम रेडमी के 5 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो हमारा ट्रिक है दोस्तों, आप अपने मोबाइल में रेडमी मोबाइल में स्क्रीन शॉट कैसे लोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आपको स्वाइप करना है इस प्रकार से, तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हो रेडमी फ़ोन में। ऊपर से जो है नीचे की तरफ 3 फिंगर से स्वाइप करोगे तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। ये रहा पहला तरीका। और दूसरा तरीका, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो इस दो प्रकार से जो हम अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों रेडमी फ़ोन में। अब हम दूसरे ट्रिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आपको टॉक बैक के बारे में। दोस्तों यदि आपके फ़ोन में टॉक बैक इनेबल हो गया है और आपका फ़ोन कहीं भी टच काम नहीं कर रहा है, आप कहीं भी टच करते हैं तो वहाँ पे हरे रंग का आइकन बनता है और मोबाइल से बोलने की आवाज़ आ रहा है और आपका मोबाइल टच जल्दी काम नहीं करता है दोस्तों, तो ऐसे में आपको क्या करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं सिंपल से ट्रिक बताऊंगा। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है और ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले डबल फिंगर का प्रयोग करके इसको ऊपर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम मेनू खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग को एक बार क्लिक करोगे तो आपका दोस्तों सेटिंग ढूंढ लेना है अपने मोबाइल में। इस प्रकार से दाएं बाएं दो फिंगर से आपको करना है, एक फिंगर से आप जब करोगे तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसको ओपन कर लेंगे और जब एक बार सिलेक्ट करेंगे सेटिंग को तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इस पर जब डबल प्रेस करेंगे तो ये जो है ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डबल प्रेस करके इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमें डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों। एक फिंगर से हम जो है जब यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें डबल फिंगर का प्रयोग करना है। तो डबल फिंगर का प्रयोग करके इसको नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे आप जो है ओके करोगे दोस्तों, डबल क्लिक करना है यहाँ पे तो है, तो इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक्सेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर एक बार प्रेस करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, डबल प्रेस करोगे तो ओके हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉक बैक का ऑप्शन। यहाँ पे टॉक बैक पर एक बार क्लिक करके यहाँ पे डबल प्रेस कर देना है तो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से देखिए इनेबल है तो यहाँ से इसको हम डिसेबल करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ से हम जब इसको स्टॉप कर देंगे तो ये हमारा जो है पूरी तरीके से टॉक बैक जो है डिसेबल हो जाएगा। अब हम कहीं भी काम करेंगे, कहीं भी टच करेंगे तो हमारा तुरंत टच काम करना लगेगा और बोलने का भी आवाज़ बंद हो जाएगा। और आपको तीसरे सेटिंग के बारे में, तीसरे टिप्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यदि आपके LCD कलर आपका चेंज हो गया है, कहीं से आपका मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप कैसे सेट करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे डिस्प्ले का जो है सारे ऐप्स का कलर बदला हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको जगह जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक्सेबिलिटी का ऑप्शन, एक्सेबिलिटी पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे और नीचे जाना है तो यहाँ पे देखिए कलर इन्वर्जन का ऑप्शन यहाँ पे ऑन है, तो इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो हमारा जो है डिस्प्ले का कलर जो है सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अब हम आपको चौथे टिप्स और ट्रिक के बारे में बताएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक है दोस्तों। यदि आपका बैक बटन मोबाइल से गायब हो गया है, एक सेटिंग से गायब हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे इसको सेटिंग करोगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जी, हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा बैक वाला बटन नहीं आ रहा है। तो बैक वाला बटन यदि आपसे मोबाइल से गायब हो गया, उसे आप लाना चाहते हैं रेडमी फ़ोन में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी हम बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग में। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप चले जाइए डिस्प्ले में। यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले में जाने उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखिएगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पे आपको ओके करोगे तो यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फुल जो है यहाँ पे बटन का ऑप्शन आ जाएगा, तो बटन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब आप बैक बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है बटन आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए आपका तीनों बटन आ गया है दोस्तों। इस प्रकार से आपको आसानी हो जाएगी बैक करने में। तो इस प्रकार से हम बैक बटन को जो है सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको लास्ट सेटिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लास्ट टिप्स और ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपका फोन मतलब टच हैंग हो गया है, मान लीजिए आपका कोई भी मतलब फोन करता है तो आपका टच नहीं काम करता है, अचानक आपका टच चलते चलते स्क्रीन मतलब रुक गया है, आपके डिस्प्ले पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपका डिस्प्ले सही है, तो आप इसको कैसे ठीक करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। ऐसा प्रॉब्लम अक्सर हमारे मोबाइल में आ जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करना है। तो रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका फोन ऑन है और टच काम नहीं कर रहा है, ऐसे हम आप अपना स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो बटन आपका काम नहीं करेगा दोस्तों। तो इसमें के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है दोस्तों। उसके बाद आपका फोन जो है रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आपका फोन मतलब ऐसा हो गया है, अचानक आपका फोन मतलब डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फोन आ रहा फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या आपका टच काम करना बंद कर दिया है, आपका मोबाइल हैंग हो गया है, आपका ब्लू डिस्प्ले आ रहा है, तो आप जो है इस ट्रिक को एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है दोस्तों। तो आप जो है इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखिए। तो
तो आपका फोन जो है रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और जो है आपका हैंग प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा दोस्तों। यदि आपका डिस्प्ले सही रहेगा तो आपका जो है डिस्प्ले 100% काम करेगा दोस्तों। यदि आपका ब्लैंक हो गया है तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा, और यदि आपका टच हैंग हो गया है तो आपका जो है टच काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। यदि आपका सही है टच तो आपका जो है स्क्रीन सही है तो भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों रिबूट और रिस्टार्ट करने से दोस्तों। यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया या डिस्प्ले ब्लैंक हो गया है, या मतलब आपका जो है फोन आ रहा है डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जो है हिस्ट्री का इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिए। अब दोस्तों हमारा फोन ऑन हो गया, हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा जो है टच काम करता है या नहीं काम करता है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो है टच पहले से काम कर रहा था, लेकिन अब देख लीजिए दोस्तों यदि आप अपना जो है टच आपका हैंग हो गया है तो आप जो है इसको जरूर एक स्ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आपको ये 5 टिप्स एंड ट्रिक है जो है दोस्तों आपको बहुत ही काम आएंगे दोस्तों, आपको जानना ये बहुत जरूरी है दोस्तों। 5 टिप्स आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए आए हैं तो आपको नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।